हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है के ड्राइविंग स्कूल चैनल पर। तो चलिए आज हम आप लोगों को आयसर 551 रोटा बेटर चलाना सिखाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं रोटा बेटर, और ये अपना साफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसको लगा लेना है पेन दबा के, ठीक है, पेन दबा के इसमें निकलेना, ठीक है। इसको लगाने के बाद फिर क्या करना है, आपको चाभी लेके, और इसमें पावर स्टेयरिंग है, चाभी ले के इसके ऊपर चढ़ जाना है, ठीक है। और धूल में भरे हैं थोड़ा, ठीक है, देख सकते हैं डिजिटल मीटर। और ये जो हो जाता है फ्यूल का हो जाता है, मोबिल का, ठीक है, और ये बैटरी का, और ये सेल्सियस का, ठीक है। ये मीटर हो जाता है, और ये डिजिटल मीटर, ठीक, और ये लो न्यूट्रल हाई, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 गियर हो जाते हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और ये रिवर्स हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है, क्लच दबाना है और इसको न्यूट्रल कर लेना। ये हाई पड़ गया, ये न्यूट्रल और ये लो, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट गियर लगा लेना है, ठीक, ये न्यूट्रल, ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट गियर लग गया। फिर उसके बाद इसको लो लगा लेना है, क्लच दबा रहना चाहिए। लो लगाने के बाद इसको स्टार्ट कर लेना है, स्टार्ट करने के बाद लो लगाना, और स्पीड देख सकते हैं लगभग 15 की स्पीड कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 की स्पीड हो गई ना। फिर उसके बाद लो लगा है और पहला गियर लगा है, और हाइड्रोलिक देख सकते हैं सेटिंग कर लीजिएगा यहाँ पे 4.5, और ये 4.5 पे कर लेना, फिर क्लच छोड़ना। देख रोटा बेटर रुका है, तो चलिए क्लच पर से पार हटाते हैं, देखिएगा गाड़ी चलने लगेगी। ये गाड़ी चलने लगी, ये पार हटा लिया, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये चलने लगा। और ये चलने लगा, ठीक है। और ये ब्रेक जो है अपने खोल लेना है दोनों, देखेंगे इस टायर का, ये इस टायर का, ठीक है। और इसको पावर स्टेयरिंग में हल्का सा ब्रेक लगा के, और इसको इस तरीके से मोड़ना है, देख सकते हैं, इसको इस तरीके से मोड़ लेना है, ये देख सकते हैं। अगर कुनिया जोतना है तो आप देख सकते हैं कुनिया है, इसको यहाँ से उठाना है ऊपर, और फिर इसको यहाँ पे ला के रिवर्स गियर लगा देना, ठीक है। ये गाड़ी बैक होने लगी, फिर क्लच दबा के इसको न्यूट्रल, और ये पहला गियर लगा देना, और उसको रख देना है, देख सकते हैं 4 पे कर देना, ठीक है। क्लच छोड़ दिए, जुटने लगा, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं लिफ्ट का किनारा है, हल्का स्पीड स्लो रखना है, ठीक है। जिसमें एक्चुअली जर वगैरह अगर लिफ्ट की पड़ जाए तो टूटे ना, ठीक है। रोटावेटर जिसमें टूटे ना, ठीक है, लिक्विड का किनारा है ये, लिक्विड थी तो हमने इसको किनारे कर लिया, जिसमें तंबू पे ना लगे, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। और लगभग 15 की स्पीड रखना है, ठीक है, देख सकते हैं पेड़ वगैरह लगे हैं जिसमें लगे ना, ठीक है। और ज़्यादा दाब अगर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से मोड़ लेना है, हल्का सा ब्रेक, और इसको सीधा कर लेना है, क्लच पर से पैर हटा लेना है, ठीक है, यहाँ से। और देख सकते हैं आप लोग, एक्चुअली जो लिपस्टिक का किनारा होता है वहाँ जर वगैरह होती हैं, तो जो इसकी छुरियाँ होती हैं टूटने का डर रहता है, ठीक है। आयसर 551 है, ठीक है, फर्स्ट के लो में चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और इसकी स्पीड 15 है, देख सकते हैं आप लोग, जूम करके दिखा रहे हैं, 14-15 रखना है। इसी तरीके जोतना और ड्राइविंग में ट्रैक्टर के कल्टीवेटर हो या हैरो हो,
हैरो में तो कास्ट थोड़ा चल जाता है, लेकिन कल्टीवेटर में एक्चुअली क्या होता है, खार जो है वो लिफ्टिड या किसी कोई भी पेड़ लगा उसके जड़ में फंस के खार सूख जाता है, ठीक है। बाकी इसकी पावर स्टेयरिंग में आराम से 15-20 मीटर के फर्स्ट के लो में आप चला सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो सबकी जानकारी देंगे, ठीक है। ऐसी कोई गाड़ी नहीं जिसकी जानकारी ना दूँ। ये रोडा बेटर हो जाता है, इसको मोड़ रहे थे, लिपशिट का किनारा निकल गया और देख सकते हैं फर्स्ट के लो में बढ़िया से जोत सकते हैं आराम से। और इसमें 4 गियर होते हैं, आपको गियर के बारे में नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या इंड स्क्रीन में वीडियो लगा देंगे, ट्रैक्टर चलाना आपको आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, लव यू, टेक केयर। अब जिनका भाई का ट्रैक्टर है उनको देते हैं, ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से कुछ था। ठीक है, ओके बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर गाड़ी को मोड़ते हैं, ये हैंडल हो जाता है, ठीक, फिर मोड़ते हैं। ओके बाय, लव यू, टेक केयर, ठीक, बाय बाय। तो एक मेरा ऐसा चैनल है जिस पे सारी गाड़ियों की वीडियो आपको मिलेंगी जो रह गई हैं, उनकी कोशिश करके बना रहे हैं, ट्रैक्टर कार हर चीज़ की वीडियो आपको मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।